सर्वप्रथम आयोजकांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि खेळाडूंना सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देत असताना आपण चांगला खेल करावा अशा सुद्धा सूचना या निमित्ताने मी त्यांना देतो। फाउंडेशनच्या वतीने या स्पर्धा आयोजित करत असताना त्यांनी सर्व खेळाडूंना एकत्र आणण्याचं काम केलेलं आहे। या मॅचेस ज्या आहेत या माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांच्या नावाने या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत आणि म्हणून आमदार प्रशांत ठाकूरांचं जे नाव आहे जे वलय आहे समाजामध्ये त्यांच्या नावाला शोभेल अशा पद्धतीच्या मॅचेस या ठिकाणी व्हाव्यात। कुठल्याही प्रकारचा वाद न निर्माण होता खेलीमेलीच्या वातावरणामध्ये या मॅचेस पार पडाव्यात अशा प्रकारच्या सुद्धा मी या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि होप मिररच्या फाउंडेशनचे जे सर्व संस्थापक अध्यक्ष आहेत त्यांचे सर्व कार्यकर्ते आहेत त्यांचे सहकारी आहेत यांनासुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी एवढ्या मोठ्या मॅचेस या भव्य दिव्य अशा मैदानावर ठेवलेल्या आहेत। पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंना आणि आयोजकांना आणि प्रेक्षकांनासुद्धा मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। होप मिररच्या माध्यमातून या ज्या क्रिकेट स्पर्धा घेतलेल्या आहेत अतिशय सुंदर नियोजन यांनी केलेलं आहे आणि होप मिरर फाउंडेशन हे खरोखर समाजामध्ये चांगली कामं करत आहेत। करोनाच्या काळामध्ये त्यांनी केलेली कामं आम्ही प्रत्यक्षात पाहिलेली आहे, मग ते गोरगरीब जे आपले कामगार ज्यांना खाण्यापिण्याचे हे होते त्यांना धान्य वाटप असेल किंवा गोरगरिबांना अन्नधान्य वाटप असेल औषधांचं वाटप असेल झाडं लावलेली झाडं लावा हे सुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं, झाडे लावण्याची कामं चांगली केलेली आहेत। म्हणजे पर्यावरणासहित संपूर्ण समाजाचं हित या फाउंडेशनच्या माध्यमातून केलं जातं। खरोखर या फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या सर्व सदस्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि या फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाज घडवण्याचं व समाजासाठी नेहमी अशी सतत कामगिरी कराल अशा मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। माध्यम से एक बहुत ही अच्छा उपक्रम यहाँ पर क्रिकेट मैच का करने यहाँ पे आयोजित करना किया गया है। होप मिरर फाउंडेशन के अध्यक्ष रमजान शेख, उनकी संपूर्ण टीम, इनके माध्यम से हमेशा समाज उपयोगी उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके अनेक कार्यक्रमों में जाने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। सामाजिक उपक्रम के माध्यम से इस समाज के लिए मुझे कुछ करना है, इस भावना से ये पूरी टीम काम करती रहती है। आज इन क्रिकेट मैच का आयोजन तो इन्होंने किया है, लेकिन बिना मूल्य प्रवेश, फ्री प्रवेश, ये एक अनोखा उपक्रम इन्होंने किया और एक अच्छा मैसेज समाज को देने का प्रयास किया कि इस माध्यम से हमारी भावना क्या है, तो युवाओं को जोड़ना, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना और इस माध्यम से इस विभाग के युवा एक इकट्ठा आए, उनमें कहीं पे हम एक दूसरे के भाई है ऐसी भावना तैयार हो, सामाजिक उनमें एकोप्या ज़्यादा बढ़ जाए, ये विषय लेके रमजान शेख उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं मनःपूर्वक उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के सभी उपक्रमों के लिए उनको मेरी तहे दिल से शुभकामना। क्रिकेट ये आज युवाओं के रुचि का विषय है और क्रिकेट में युवा बाकी सभी क्रीड़ा प्रकारों से ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप क्रिकेट को सिर्फ एक खेल का माध्यम ना देखते हुए एक करियर का माध्यम करके देखे, फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें कुछ अच्छा हम करियर कर सकते हैं क्या, ये देखे। और ये प्लेटफॉर्म ऐसी संगठनाएं तैयार करके देती है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, उनकी धन्यवाद यहाँ पर उनको कहूँगा, क्योंकि ऐसे मैचेस के माध्यम से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है और हमारे पनवेल के युवा कल जाके महाराष्ट्र या नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने मिले तो उसमें हमें बहुत खुशी होगी। और इस माध्यम से मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी इस सभी विषय में मदद करना चाहेगा। आज देश के क्रीड़ा मंत्री अनुराग जी ठाकुर, जो बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे, वो मेरे करीबी दोस्त है,
और इसलिए हमारे युवाओं के लिए कुछ और मदद करनी है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देने के लिए कुछ मदद करनी है, तो हमेशा उनके साथ मैं रहूंगा। तो युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि इसको करियर करके देखें और एक अच्छा करियर इसमें से सेट करने का प्रयास करो। तसेच शाहू आणि शत्रु छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या महाराष्ट्रातले आद्यजनक क्रांतीचे राजीव गांधी तसेच फुले आंबेडकर शाहू माता जिजाऊ माता रमाई यांना चरणस्पर्शाने नमन करून ते सर्वप्रथम उपस्थित असलेल्या प्रत्येक दर्शकाला सांगू इच्छितो की जे काम होप निर्माण संस्थेने केलेलं आहे त्यांची उत्तुंग भरारी बघून माझं मन मला असं वाटतो की गरुड पक्षाची जी झेप घेतात तीच रमणान शेखने आता घेतलेली आहे। तसे बघितलं तर त्यांचे वडील श्री मुस्ताक शेख ते आणि मी हे दोघेही क्लासमेट, परंतु त्यांच्या माध्यमातून जे वडिलांनी त्यांच्यावर संगोपन घडवलं आणि रमजानला घडवलं मला आज एवढा आनंद होतो आहे की माझ्या या गावातला खेड्यातला मुलगा आज कुठेतरी काहीतरी करतो आणि प्रत्येक जणाला आधार देतो, त्याच्यात ह्या गाववाल्यांना खुशी व्हायला पाहिजे का त्याला आपण प्रोत्साहन देऊन आणखीन मोठे कसं बनवायची होप मिरार। आणि या संस्थेच्या मार्फतून या संघटनेच्या मार्फतून आपल्या लोकांना आणखीन मूलभूत आधार आणि गरजेच्याबद्दल आपण उपयोग कसा करता येईल हे करून घेतलं पाहिजे। आज इथे मला बोलवलं त्याच्याबद्दल मी दानसाई ग्रामस्थांचे मनापासून मनपूर्वक अभिनंदन। तसेच या क्रिकेट संघ इथे बघतो आपण खूप छान आहे, असंच सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन क्रिकेट संघ हे नेहमी चालत राहावे अशी आमची मनापासून इच्छा आहे। आणि इथे जे कार्यक्रम जे गाज करता हे खूपच छान वाटतं बघायला, मनापासून तुमचे धन्यवाद करतो। बिल्कुल, क्योंकि हर एक खिलाड़ी में जो क्षमता होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से निभाई, जैसे नवनाथ अनिल हो गया और बाकी खिलाड़ी सभी बहुत अच्छे से खेले इसलिए हम लोग जीत पाए। हमने सुना कि आपने जो डोनेशन था जो आपको मिला था वो भी आपने होप मिरर फाउंडेशन को ही डोनेट कर दिया, इसके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, क्योंकि वन ईयर से हम लोग को ट्रॉफी नहीं मिली थी और फर्स्ट टाइम हम लोग फाइनल में गए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा कर रहे फाउंडेशन वाले, तो हम लोग को रकम के लिए नहीं खेल रहे थे, ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे बस। चलिए थैंक यू। तो खूब चांगला आयोजन के लिए मिरर फाउंडेशन ने आम सग खेल खूब चांगल वाटल, दिस वॉज अ बिग ऑपॉर्चुनिटी टू अस फॉर प्लेइंग अस हियर नाउ, सो दैट्स वाई वी आर थैंक यू टू होप मिरर फाउंडेशन एंड थैंक यू टू ऑल। आप सेकेंड जीते हो, आपकी टीम ने भी मेहनत किया, उनका किस तरह से हौसला बढ़ाएंगे? नक्कीच आम्ही थोड़ा कमी पड़लो खेलने, पण आमची पोरं मेहनत आहेत, आम्ही नक्कीच याच्यावर सुधार करू आणि नेक्स्ट मॅच आम्ही नक्की जिंकण्याचा हे करू, ट्राय करू। नहीं, होपर फाउंडेशन हमेशा कुछ नया करता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हो, तो कैसा था मेरा प्लान था कि जो वांगसी टीम आई थी आदिवासी वाड़ी, तो अपना एन जी ओ वहाँ पे मिलकर उनके बच्चों को डेवलप कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है डेवलपमेंट, तो मेरा प्लान था कि शो मैच रखे उनके बारे में, उनको भी अच्छा सपोर्ट लगेगा और मैंने बाकी भी सब टीम आके जो लोकल टीम है उनको भी मैचेस के लिए बुलाया था, क्रिकेट प्रोत्साहन बढ़ेगा, इसे फ्रेंडली रखा तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, वो आदिवासी टीम भी अच्छा खेल रही थी, मैंने देखा उनका गेम मुझे अच्छा लगा, तो मैं और भी अपने जो आदिवासी वाड़ी आन है बाजू में आसपास उनको भी एक होता ना विलेज अडॉप्ट करके उस पर काम करना, तो अभी उनको अडॉप्ट करने का हमारा प्लान चालू है और उसमें साथ में उनको मतलब जैसे उनको जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके जो भी स्पोर्ट्स हम सब में उनका डेवलपमेंट करने वाले हैं, इंशाल्लाह हम आगे काम करने वाले हैं। अच्छा, बात करता कितनी टीम थी और किस तरह से उनको एडजस्टमेंट किया गया? आज 10 टीम की मैचेस थी, तो हमने ऐसा नहीं जो हारी टीम है उसको भी ट्रॉफी दी है, कैसा ना कि जीतता है उसके लिए तो जश्न हमारा आसान है, बट जो हारता है ना उससे पता चलता है कि क्या बीती की मतलब गम क्या उसको डील कैसे करना चाहिए उनको, वो इसलिए हमने उनको भी ट्रॉफी रखा था, जैसे मूवी आई थी लूजर करके आई थिंक सुशांत राजपूत की, तो लास्ट में हारा था तो दिखा था कि हारने को कैसा मतलब उसको झेलना चाहिए या फिर उसको कैसा बोलते ना हैंडल करना चाहिए, तो इसलिए हमने जो टीम हारी थी उनके भी ट्रॉफी रखा था, उनको भी दिल खुश हो जाए मतलब। तो
हमने चेयरमैन ट्रॉफी से बात की, उन्होंने कहा कि हमको जो डोनेशन मिला गया था वो हमने होप मिरर फाउंडेशन को ही वो डोनेशन दिया ताकि वो अच्छा काम करते। इसके बारे में टीम के लिए क्या कुछ है? किरौली टीम जो हमारे आसपास की टीम है, तो वो मैं साथ में बचपन से खेला हूँ, मैं यही गाँव का डांसर का, इसलिए मैंने पहला मैच इधर ही रखा टूर्नामेंट। तो जैसे ना जो काम इंसान अगर अच्छा करता है ना, दूसरे दिल में भी गाते भाई इनका और अच्छा करे, तो वो ट्रॉफी के लिए खेले वो, तो उन्होंने जो भी डोनेशन दिया वो सोच रहा मुझे एंजॉय करते आ रहे हो आगे और अपना करने का अपना काम आएगा, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनका। नैनू हुआ, प्रशांत पाटिल हो, मेरे सब दोस्त साथ में पड़े लोग हम लोग, तो ये जो पैसा हमें अपने एंजॉय में और काम करने आगे काम मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी लोगों के दिल में क्वेश्चन ये भी आते हैं कि समाज कार्य छोड़ के ये मैच क्यों रख रहा है, इसमें पैसा वेस्ट क्यों करना है, क्या करना था। ये लास्ट टाइम मैंने आउट फंक्शन किया था बॉम्बे में, तब भी लोग मुझे यही बोले थे। तो आउट फंक्शन इसलिए किया था कि पूरी इंडिया की चेन मैंने बना दिया, दिल्ली से लोग आए थे, हैदराबाद से आए थे, कोई पुणे से आया था, तो एक टीम बन गए, उन्हें सबको पता चला एक साथ में मिलकर काम करेंगे, इसलिए वो किया था। अब ये मैचेस भी रखा था, किसी ने सबने डोनेशन दिया है, किसी ने टी शर्ट दिया है, तो किसी ने ट्रॉफी दिया है, तो किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तो मुझे कुछ ऐसा कॉस्ट लगा नहीं है। जो आया सब डोनेशन से खेलेंगे, इसमें होता है एक पता चला और लोग जुड़ेंगे। अब जैसे इन्होंने डोनेशन कर दिया और टीम जुड़ेगी साथ में, यंग ब्लड और आएगा, कॉलेज के लोग आएंगे और हम और आगे काम कर सकते, टीम बढ़ेगी तो और काम कर सके, तो ये मकसद होता है। तो जो पहले निगेटिव सोच रहे उनके पहले से मेरा जवाब है ये। अच्छा बात करें तो मुंबई से एकता मंच ने भी आपको काफी सपोर्टर्स मदद भी दी, तो प्रशांत सर और अजय कौल सर और प्रशांत सर ऐसे कि जब भी मैं उनको कुछ बोलता मैं ये कर रहा हूँ तो सर कभी मुझे मना नहीं करता। अभी वो रहते बॉम्बे में और ये मैचेस है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे इधर भी सपोर्ट किया, ट्रॉफी दिया, 18,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए, मैं उधर आए भी नहीं, तो पहले से वो हर चीज़ में मेरे सपोर्ट करते आ रहे हैं। और फर्स्ट तक उधर उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, तो हमें एक बोलते ना एक गॉड फादर समथिंग मेरे है वो, मतलब हमेशा सपोर्ट करते, उनका हमेशा थैंक यू और बोलते ना ऋणी रहूँगा उनका हमेशा मैं। चलिए थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।